जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। काफी टाइम बाद वीडियोस आए हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, कुछ इश्यूज के कारण वीडियो नहीं आ पा रहे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या स्पाइडरमैन पॉसिबल है और क्या उसका नैनोटेक वाला सूट भी पॉसिबल है। तो देखिए, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, स्पाइडरमैन का पॉसिबल होना और उसके नैनो सूट का पॉसिबल होना। रिसेंटली मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें मैंने आयरन मैन के नैनो टेक्नोलॉजी वाले सूट की बात की, उसी में मैंने स्पाइडरमैन के नैनो सूट की भी बात की है। तो वो वीडियो जब आएगा तो आपको उसको नैनो सूट के बारे में पता चल जाएगा। बट आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि इज स्पाइडरमैन पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो अगर इसका सीधा सीधा आंसर दें तो वो यस होगा, पर कैसे ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू मूवी, अगर हम मूवी की माने तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके कारण उसे स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती हैं, क्योंकि उसके काटने के कारण पीटर की जीन में मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब अगर ओरिजिनल की बात करें तो जैसा हमने देखा है कि अगर किसी को भी सुपर ह्यूमन बनाना है या फिर उसको स्पाइडरमैन की पावर्स चाहिए, तो स्पाइडरमैन की बेसिक पावर तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना है। लेकिन जो उसकी सबसे पॉपुलर पावर है वो है वेब शूटिंग। एक बार जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, ये सब तो हम डेंड्रिमर्स, क्रिस्पर टूल और जीन एडिटिंग से कर सकते हैं, बट दिक्कत आती है वेब शूटिंग में। अब वेब शूटिंग में भी हमने ये देखा है कि हमारे तीन स्पाइडरमैन हैं, टॉम होलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टोबे मैग्वायर। वहीं अगर हम एक और देखें तो टॉम होलैंड और एंड्रू गारफील्ड वाले जो स्पाइडरमैन है वो वेब शूटर्स का यूज़ करता है, मतलब वो एक ऐसे फ्लूड का यूज़ करता है जो कि वेब शूटिंग के लिए होते हैं। बट वहीं हम देखें टोबे मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन तो वो अपने हाथ से ही वेब शूट कर सकता है, मतलब जिस तरह एक मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालती है वैसे वो भी निकाल सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये कूल तो काफ़ी लगता है, बट मकड़ी से कटवा कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करना ये कईयों ने की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम देखें तो स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ है। अगर हम वेब शूटर्स की बात करें तो हाँ, वो फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम एक मकड़ी का जाला लें और उतना पतला ही स्टील का वायर लें तो मकड़ी का जाला स्टील के वायर से ज़्यादा मजबूत होगा। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की तरह हाथ से जाला निकालना तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हम वेब शूटर्स का यूज़ कर ऐसे फ्लूइड्स बना सकते हैं जो कि मकड़ी के जाले जैसे हों और उतने ही मजबूत हों। बट यहाँ दिक्कत ये आती है कि जैसे स्पाइडरमैन इनको इतना दूर दूर शूट करता है, इतना हाई प्रेशर इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए। इतना मान लिया कि हमने इतना हाई प्रेशर भी बना लिया, ऐसे मकड़ी का जाला भी बना लिया, तो भी हमें स्पाइडरमैन की कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे कूल स्पाइडरमैन की चीज़ों में से एक है उसका स्पाइडर सेंस, मतलब जब भी आसपास कोई भी चीज़ होती है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ मिस्टेक होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा। तो आखिर ये क्या है? कुछ इसको पीटर टिंगल कहते हैं, कुछ इसको मकड़ी घंटी कहते हैं, बट आखिर ये है क्या? तो स्पाइडर्स क्योंकि जाले में रहते हैं और उनके जाले की लाइट वाइब्रेशंस भी उनको एहसास दिला देती हैं कि वहाँ पर कुछ है, और यही पैटर्न कई सालों से फॉलो होते होते माइंड में एक ऐसा पैटर्न बन गया है कि अब वो स्पाइडर्स अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते। और वही सुपर पावर रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के कारण पीटर पार्कर में चली गई, जिसके कारण वो अपने पीटर टिंगल या फिर मकड़ी घंटी को ये कहता है कि जब भी उसके आसपास कोई भी गलत चीज़ होती है या फिर उसको कोई भी खतरा समझ में आता है, बेसिकली ये खतरे के कारण ही होता है, और उसको इस चीज़ का पता लग जाता है। जैसे हमने देखा था कि मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन की फाइट में स्पाइडरमैन अपने इसी स्पाइडर सेंस का यूज़ करता है। तो मान लेते हैं पूरा दिन करेंगे भी कि हमने स्पाइडरमैन का वेब शूटर भी बना लिया, स्पाइडरमैन का स्पाइडर टिंगल भी ले लिया, कोई लड़का भी मिल गया हमें 16-17 साल का जो कि एमेच्योर हो। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि स्पाइडरमैन का सूट काफ़ी हाईटेक है, जैसा कि हमने फार फ्रॉम होम के एंड में देखा था कि स्पाइडरमैन अपने नॉर्मल सूट को हैक कर लेता है,
नोवे होम में देखा कि वो अपने कैजुअल सूट में आ जाता है, लेकिन जिस नैनो सूट को यूज करता है उस नैनो सूट में भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके कारण स्पाइडरमैन की पावर इन्हेंस हो जाती हैं। अब सूट का टॉपिक है तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, बट स्पाइडरमैन का एक शब्द में कहूँ कि वो रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं, तो हाँ है, बट उसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीन एडिटिंग कोई आसान काम नहीं है। फ्यूचर तो होगा बट अभी नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आया है इस चीज़ के लिए सॉरी, अब वीडियो रेगुलर रहेंगे। सो अगर आपको आपका कोई टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आरुण शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।